Dear students, let's begin with the chapter 3rd of science of class 6, that is fiber to fabric. इस चैप्टर में हम तंतु से वस्त्र तक की कहानी को पढ़ेंगे. पहली अनभुजो वन द फर्स्ट प्राइज इन अ साइंस क्विज कॉम्पिटिशन हेल्ड एट देयर स्कूल. पहली अनभुजो ने उनके स्कूल में हुए एक साइंस क्विज कॉम्पिटिशन में अव्वल स्थान प्राप्त कर इनाम हासिल किया. They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित थे और उन्होंने फैसला किया कि prize money से वो अपने parents के लिए कपड़े खरीदेंगे. When they saw a large variety of cloth material, they got confused. जैसा कि आप figure 3.1 में देख सकते हैं, एक cloth shop का दृश्य दर्शाया गया है जिसमें variety of clothes को आप देख सकते हैं. जब पहली और भूजो ने ये variety देखी तो वो confused हो गए. The shopkeeper explained that some clothes or fabrics were cotton and some were synthetic. Shopkeeper ने, दुकानदार ने उन्हें समझाया कि कुछ fabrics यानी कपड़े कॉटन है यानी सूती है और कुछ सिंथेटिक यानी कृत्रिम है. He also had woolen mufflers and shawls. उसके पास woolen muffler यानी ऊनी muffler और shawls भी हैं. There were many silk sarees as well. और उसके पास काफ़ी ज़्यादा रेशमी साड़ियाँ भी हैं. पहली अनभुजो felt very excited. पहली और भूजो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित महसूस करते हैं. They touched and felt these different fabrics. उन्होंने इन fabrics को टच किया और महसूस किया. फाइनली दे बोट अ वोलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी. और अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर और एक सूती साड़ी खरीद ली. आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप, पहली अनभुजो बिगिन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग्स. और उनकी इस शॉप विजिट के बाद पहली अनभुजो ने अपने सराउंडिंग्स में कपड़ों को नोटिस करना शुरू कर दिया. दे वर फाउंड दैट बेड शीट्स, ब्लैंकेट्स, कर्टेन्स, टेबल क्लॉथ्स, टॉवल्स एंड डस्टर्स वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स. और उन्होंने नोटिस किया कि बेड शीट्स यानी चादरें, ब्लैंकेट्स यानी कंबल, कर्टेन्स यानी पर्दे, टेबल क्लॉथ्स यानी मेज पोश, टॉवल्स यानी तौलिए और डस्टर्स यानी चोगे, ये सभी अलग अलग प्रकार के फैब्रिक्स यानी कपड़े से बने थे. इवन देयर स्कूल बैग्स एंड द गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक. यहाँ तक कि उनका स्कूल बैग और गनी बैग, जिसको हम सैक भी बोल देते हैं यानी जैसे बोरी, ये सभी अलग अलग कपड़े से बने थे. दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक्स एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक. और उन्होंने कोशिश की कि वो इन कपड़ों को वर्गीकरण कर सकें, पहचान सकें एज फैब्रिक यानी कॉटन यानी सूती, वूल यानी ऊनी, सिल्क यानी रेशमी और सिंथेटिक यानी कृत्रिम. कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स, क्या आप भी इनमें से कुछ फैब्रिक्स को पहचान सकते हैं? लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन 3.1 वैरायटी इन फैब्रिक्स. तो हम वैरायटी इन फैब्रिक्स को देखते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द एक्टिविटी फर्स्ट, दैट इज विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप, कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग. आप एक आपकी आस पड़ोस की कोई टेलर की शॉप पर जाइए और देखिए वहाँ पर स्टिचिंग सिलाई के बाद बचे कुछ कटिंग्स को इकट्ठा कीजिए. फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक, और हर एक पीस को टच करें और फील करें हर एक कपड़े को. नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक फाइबर, आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर. और कोशिश करें कि आप उनको वर्गीकरण कर सकें, आप उनको नाम दे सकें कि कौन सा कपड़ा कॉटन यानी सूती है, कौन सा कपड़ा सिल्की है, कौन सा वुलन है यानी कौन सा कपड़ा सिल्की मींस कौन सा कपड़ा रेशमी, वुलन यानी ऊनी और सिंथेटिक यानी कृत्रिम है. ओके, आप इसमें टेलर की मदद ले सकते हैं. डू यू वंडर व्हाट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ, क्या आप आश्चर्यचकित हैं कि ये कपड़े आखिरकार किस चीज़ के बने होंगे? व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक इट सीम्स कंटिन्यूअस पीस. ओके, जब आप किसी भी कपड़े की तरफ देखेंगे तो एक लगातार एक टुकड़ा दिखेगा आपको, एक कपड़े का टुकड़ा जो लगातार बना हो. नाउ लुक एट इट क्लोजली, व्हाट डू यू नोटिस, जब आप उसकी तरफ ध्यान से देखेंगे तो आप क्या नोटिस करते हैं? जैसा कि फिगर 3.2 में हम देख सकते हैं, एनलार्ज्ड व्यू ऑफ अ पीस ऑफ फाइबर फैब्रिक. ओके, एक बड़ा व्यू हम देख सकते हैं फैब्रिक का, जिसमें हम एक पैटर्न को देख सकते हैं. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द एक्टिविटी 2. Select a piece of cotton fabric you labeled in activity 1 and now try to find a loose thread or yarn at one edges and pull it out.
कोई भी एक कपड़े को चुने जो आपने एक्टिविटी वन में लेबल किया हो, और उसमें से एक लूज थ्रेड और यार्न हेयर वी मीन्स धागा ओनली, ओके, उसमें से एक धागा निकालें और जस्ट चेक इट आउट, ओके, फिगर 3.3, जैसा कि फिगर 3.3 में दर्शाया गया है, पुलिंग अ थ्रेड फ्रॉम अ फैब्रिक, एक कपड़े से एक थ्रेड को निकालना, ओके, यार्न्स आर विजिबल, यू कैन जेंटली पुल वन आउट विद अ पिन और अ नीडल, ओके, अगर कोई यार्न विजिबल ना हो तो आप एक सुई के साथ, आप एक नीडल के साथ एक थ्रेड को निकाल लें. वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न्स अरेंज टुगेदर. व्हाट आर दीज यार्न्स मेड अप ऑफ? हमें पता है कि जो फैब्रिक है वो कई धागे एक साथ अरेंज करने से बना है, ओके. व्हाट आर दीज यार्न्स मेड अप ऑफ? अगर फैब्रिक कई धागों से बना है तो ये धागे किस चीज से बने हैं? लेट्स मूव ऑन टू एक्टिविटी 3 of section 3.2, that is fiber. Okay, take out a yarn from a piece of cotton fabric. एक yarn आप cotton fabric से, सूती कपड़े से एक धागा निकाल लें. Place this piece of yarn on the table, और इस कपड़े को आप मेज पर रखें. Now, जो कपड़ा आपने मेज पर रखा है उससे एक धागा निकालें और उस धागे को मेज पर इस तरह रखें कि प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विद योर थंब. उस धागे का एक सिरा आप अपने अंगूठे के साथ दबाएं और स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलोंग इट्स लेंथ विद योर नेल एज शोन इन द फिगर 3.4. दूसरे सिरे पे आप अपने नाखून से उसे स्क्रैच करें अलोंग इट्स लेंथ, उसकी लंबाई के अनुसार आप उसे स्क्रैच करें, ओके. डू यू फाइंड दैट एट इट्स एट दिस एंड द यार्न स्प्लिट्स अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स एज शोन इन द फिगर 3.5? क्या आप यहाँ पर पाते हैं कि जो आपने सिरा स्क्रैच किया, जो सिरा आपने रगड़ा अपने नाखून से, क्या वहाँ पर आप कुछ रेसे, कुछ स्ट्रैंड्स देख पाते हैं जैसा कि फिगर 3.5 में दर्शाया गया है, ओके. यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ नीडल. आपने ये सभी रेशे जब आप सुई में से धागा निकालते हैं, सुई के जो सुराख में से धागा निकालते हैं, तो आपने ये स्ट्रैंड्स यानी रेशे वहाँ भी देखे होंगे. मैनी अ टाइम्स द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इन टू अ फ्यू थिन स्ट्रैंड्स. दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल. और ये जो रेशे हैं ये हमें काफ़ी परेशान करते हैं जब हम एक सुई में से धागा निकालते हैं, ओके. द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स. और ये जो थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड हैं, ये जो धागे के रेशे हैं जो हमें अब पिछली एक्टिविटी में हमने ऑब्जर्व किए, वो उससे भी पतले स्ट्रैंड्स, उससे भी पतले रेशे के बने होते हैं जिन्हें हम फाइबर बोलते हैं, ओके, जिन्हें हम तंतु बोलते हैं. फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स. जो फैब्रिक्स हैं वे यार्न्स के बने होते हैं, जो कपड़े हैं वे धागे के बने होते हैं, और धागे फर्दर किस चीज़ के बने होते हैं? फाइबर्स यानी तंतु के, ओके. Where do these fibers come from? ये fibers हमें मिलते कहाँ से हैं? Okay, the question arises कि ये fibers हमें मिलते कहाँ से हैं? Let's see from where do we get these fibers. The fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals. कुछ fibers जैसे कि जो fabrics होते हैं, कुछ कपड़ों के fibers जैसे cotton यानी सूती, jute, silk, wool, इन सभी के हम जो फाइबर्स हैं हमें प्लांट्स या एनिमल से मिलते हैं, और इसीलिए इनको नेचुरल फाइबर्स भी बोला जाता है. कॉटन एंड जूट आर एग्जांपल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स. जो कॉटन और जूट हैं ये एग्जांपल्स हैं फाइबर्स के जो हमें प्लांट्स से मिलते हैं. वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स. और जो वूल और सिल्क है यानी कि ऊन और रेशम है, वे हमें एनिमल्स से मिलते हैं, ओके. वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीश ऑफ शीप और गोट. जो वूल है हमें कहाँ से मिलता है? जो भेड़ या बकरी के जो ऊपर की खाल होती है, उनकी जो बाल होते हैं उस खाल में, उन बालों से हमें वूल मिलता है, ओके. इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, याक एंड कैमल्स. और ये हमें रैबिट यानी खरगोश के हेयर से, याक यानी एक प्रकार का बैल, और कैमल के हेयर से भी मिल जाते हैं, ओके. सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म. रेशम हमें कहाँ से मिलता है? जो रेशम के जो रेशे हैं वो हमें
कोकून यानी कि सिल्क वॉर्म के कवच से मिलते हैं। ओके, जो रेशम कीट होता है, रेशम का कीड़ा होता है, उसके कवच से हमें रेशम का ये फाइबर मिलता है। ओके, फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। हजारों साल, कुछ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से, यानी हजारों साल तक सिर्फ ये नेचुरल फाइबर्स ही एक ऐसा मात्र एकमात्र साधन था जिससे हमें फाइबर्स मिलते थे और हम फैब्रिक बना लेते थे। ओके, बूजो हैज सीन इन द म्यूजियम्स आइटम्स लाइक वन शोन हेयर एंड देयर वर वोर्न बाय वॉरियर्स एंड ही वांट टू नो इफ दीज आर मेड ऑफ सम काइंड्स ऑफ फाइबर। बूजो ने म्यूजियम में कुछ इस तरह के कपड़े देखे जैसा कि दर्शाया गया है और उसे पता चला कि ये योद्धाओं द्वारा, सिपाहियों द्वारा, सैनिकों द्वारा पहने जाते थे। ही वॉन्ट्स टू नो इफ दीज आर मेड ऑफ सम काइंड ऑफ फाइबर्स, और वो पता लगाना चाहता है क्या ये किसी प्रकार के फाइबर से बने थे, बने होते हैं। ऑफ कोर्स दीज आर मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ फाइबर्स। ओके, इन द लास्ट 100 ईयर्स और सो फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल्स। और कुछ पिछले कुछ सालों से जो फाइबर्स हैं वो केमिकल से बने होते हैं, यानी रसायनों से बने होते हैं। ओके, जो कि हमें प्लांट्स या एनिमल सोर्सेज से नहीं मिलते और इसलिए हम इनको सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं, यानी कृत्रिम फाइबर बोलते हैं, कृत्रिम तंतु बोलते हैं। ओके, सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर पोलिएस्टर, नायलॉन, आर्कलिक। और कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे सिंथेटिक फाइबर्स यानी कृत्रिम फाइबर्स के, जो कि पोलिएस्टर, नायलॉन और आर्कलिक हैं। ओके, लेट अस मूव टू सेक्शन 3.3, सम प्लांट्स फाइबर। ओके, अब हम कुछ ऐसे फाइबर देखेंगे जो हमें प्लांट्स से मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू सी कॉटन। ओके, हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स? क्या अभी कभी आपने विक्स बनाए हैं ऑयल लैम्प के लिए? जो अगर आप पूजा करते हैं तो आपने देखा होगा विक्स यानी बाती, जो दिया बाती होती है, तो क्या आपने कभी बाती बनाई है? वट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दिस विक्स? आप क्या चीज़ यूज़ करते हैं इन्हें बनाते वक्त? दिस कॉटन वूल इज़ ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्वेल्ट्स एंड पिलोज। आप ऑफकोर्स एक कॉटन यूज़ करते होंगे, रुई का इस्तेमाल आप करते होंगे इन बाती को बनाते वक्त। दिस कॉटन वूल इज़ ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, और ये कॉटन, ये रुई हमें गद्दों को भरते वक्त भी काम आती है, रजाई को भरते वक्त भी, और पिलोज यानी तकिए को भरते वक्त भी काम आती है। ओके, टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस। एक कॉटन वूल लें और उसको थोड़ा सा हिस्सा उसका अलग करें। ओके, उसके एजेस पे देखें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब जो कॉटन वूल आपने सेपरेट की है उसके एजेस पे देखें, आप रेशे रेशे वहां पर देख सकते हैं। ओके, द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स, और जो वहां पर आप रेशे देख रहे हैं वो कॉटन तंतु से बने हैं। ओके, वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? ये जो कॉटन वूल कहाँ से आती है? इट इज ग्रोन इन द फील्ड्स, ये खेतों में उगाई जाती है। ओके, कॉटन प्लांट्स आर यूजली ग्रोन एट प्लेसेज हैविंग ब्लैक सोयल एंड वार्म क्लाइमेट। कॉटन प्लांट्स जो हैं वो वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ पे काली मिट्टी होती है और वार्म क्लाइमेट होता है। ओके, कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन? ओके, क्या आप कुछ स्टेट्स का नाम ले सकते हैं जहाँ पर कॉटन उगाई जाती है? तो जरा गैस करें, अगर नहीं तो सुने ध्यान से। जो नॉर्दर्न रीजन है हमारा इंडिया का, वो उसमें जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन सभी स्टेट्स में कॉटन उगाई जाती है। और जैसे ही हम सेंटर की तरफ चलते हैं तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन सभी स्टेट्स में कॉटन उगाई जाती है। और अगर हम साउथ यानी दक्षिण की तरफ जाएं तो हमें कॉटन के पौधे आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और कर्नाटका में मिल जाएंगे। ओके, नाउ द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट और कॉटन बॉल्स आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन। जो कॉटन प्लांट के फ्रूट्स होते हैं जिन्हें हम कॉटन बॉल्स भी बोलते हैं, वो एक लेमन यानी नींबू के आकार के होते हैं, नींबू के साइज के होते हैं। ओके, आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बस्ट ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विद कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। ओके, जब ये एक मैच्योर हो जाते हैं, जब ये अच्छी तरह से विकसित हो जाते हैं, तब ये बॉल्स बस्ट ओपन एंड द सीड्स कन्वर्ट कवर्ड विद कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन, जब ये एकदम से खुल जाते हैं। ओके, बस्ट ओपन हेयर वी कैन मीन दैट अचानक से
बाहर निकल आते हैं और तब हम इनके अंदर जो कॉटन फाइबर्स हैं उनको देख सकते हैं. ओके, हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर द पिकिंग. क्या आपने कभी भी एक कॉटन का फील्ड देखा है? कॉटन फील्ड इन हरियाणा वी से कपास का जो फील्ड होता है, ओके, कपास की जो खेती होती है, क्या आपने कभी वो देखा है जो कि पिकिंग के लिए यानी कि चुगने के लिए या फिर उठाने के लिए या तोड़ने के लिए रेडी हो? इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विद स्नो एज शोन इन द फिगर 3.6. फिगर 3.6 में देखिए, ये एक कपास का फील्ड आपको दिखाया गया है, कॉटन फील्ड आपको दिखाया गया है, और जो ये वाइट स्ट्रक्चर लाइक स्नो लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये कॉटन, हम इन्हीं फील्ड से हम ये जो कॉटन है गैदर करते हैं. ओके, फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजली पिक्ड बाय हैंड. और इन्हीं बॉल से कॉटन को हम हाथ से उठाते हैं या तोड़ते हैं. ओके, फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉमिंग. और इन कॉटन बॉल्स से जो फाइबर्स हैं और सीड्स हैं वो हम कॉम्बिंग की मदद से, कंघे की मदद से अलग करते हैं, और इसी प्रोसेस को गिनिंग कहा जाता है. ओके, गिनिंग ऑफ कॉटन. गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड. ओके, जो एक परंपरा चली आ रही है, एक ट्रेडिशन है कि गिनिंग को पहले हाथ से उठाते थे, जैसा कि आप फिगर 3.7 में देख भी सकते हैं. दीज डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग. लेकिन अब जो है मशीन का प्रयोग होने लगा, जो ये कॉम्बिंग प्रोसेस है, गिनिंग प्रोसेस है, इसको एक बड़े लार्ज स्केल पे मशीनों द्वारा ऑपरेट किया जाता है. ओके, जूट, जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट. जो जूट प्लांट है, जूट फाइबर है, ये एक जूट प्लांट के तने से हमें मिलता है. ओके, जैसा कि आप फिगर 3.8 में एक जूट प्लांट देख सकते हैं. इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन. ओके, और ये जो जूट है ये रेनी सीजन के दौरान कल्टीवेट की जाती है. ओके, इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम. इंडिया के अंदर जूट का पौधा मेनली खास तौर पर वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम में उगाए जाते हैं. ओके, दीज आर द ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया. And the jute plant is normally harvested when it is at the flowering stage. और jute plant को normally कब harvest किया जाता है, कब उसकी कटाई का समय आता है? जब वो flowering stage पे हो. Okay. The stems of the harvested plants are immersed in water for a few days. जो इसकी stems हैं jute plant की, उनको पानी के अंदर रखा जाता है, और the stems, root and fibers are separated by hand. जैसे ही स्टेम्स गलना शुरू कर देती हैं या सड़ना शुरू कर देती हैं, उनमें से फाइबर्स को हाथों से अलग किया जाता है. टू मेक फैब्रिक्स ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स. ओके, फैब्रिक बनाने के लिए यानी कपड़ा बनाने के लिए पहले इन फाइबर्स को हम यार्न्स में कन्वर्ट करते हैं, यानी धागों में कन्वर्ट करते हैं. हाउ इज इट डन, और ये कैसे किया जाता है, लेट्स सी इन सेक्शन 3.4. ओके, स्पिनिंग कॉटन यार्न. यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न फ्रॉम योर सेल्फ. आप अपने आप से भी कॉटन यार्न बनाना ट्राई कर सकते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं कि यार्न बनाने की कॉटन से. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द एक्टिविटी 4, दैट इज होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड. कुछ एक हाथ में कुछ कॉटन वूल आप लीजिए और पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर ऑफ द अदर हैंड. आप अपने दूसरे हाथ के अंगूठे और फोर फिंगर यानी जो अंगूठे के पास वाली उंगली होती है, जिसको हम तर्जनी भी बोलते हैं, यानी फोर फिंगर, उसके बीच में कुछ कॉटन का हिस्सा पकड़िए. नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन, और हल्के से कॉटन को वहाँ से खींचना स्टार्ट कीजिए. वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर्स, और कंटिन्यूसली उसको घुमाते रहिए, उसको मोड़ते रहिए. ओके, एज शोन इन द फिगर 3.9 में आप देख सकते हैं हाउ यू हैव टू डू दिस, मेकिंग यार्न फ्रॉम कॉटन. धागा कॉटन से कैसे बनाया जाता है. आर यू एबल टू मेक अ यार्न, क्या आप एक धागा बनाने में कामयाब होते हैं? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग. ध्यान दीजिएगा, जो ये प्रोसेस है यार्न बनाने का, किस चीज से,
फाइबर से, ओके, तंतु से धागा बनाने का जो प्रोसेस है उसे हम स्पिनिंग बोलते हैं. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग. इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट, ओके, एंड ट्विस्टेड. इसमें से क्या होता है कि एक अच्छा खासा समूह हम कॉटन का ले लेते हैं और उसमें से कुछ हिस्सा हम कॉटन का बाहर निकालते हैं और उसको ट्विस्ट यानी टर्न करते रहते हैं, मोड़ते रहते हैं, ओके, घुमाते रहते हैं. दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न. और ये एक फाइबर को इकट्ठा करती रहती है कि उसका एक धागा बन जाए. ओके, अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पिंडल, ऑल्सो कॉल्ड टकली, ओके, टेकली वी कैन से. एक सिंपल सा डिवाइस होता है स्पिनिंग के लिए, ये जो धागा कातने के लिए, सूत कातने के लिए, जिसको हम टेकली बोलते हैं. ओके, ये एक हैंड स्पिंडल होता है, एज यू कैन सी इन फिगर 3.10, एक टेकली दर्शाई गई है. अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा. और जो दूसरा हैंड ऑपरेटेड डिवाइस है यानी कि हाथ के द्वारा चलाए जाने वाला जो डिवाइस है वो क्या है, चरखा. और जैसा कि आप फिगर 3.11 में देख सकते हैं, एक चरखे से कैसे एक फाइबर से धागा बनाया जाता है. ओके, यूज ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट. और इस चरखे का यूज बहुत ही पॉपुलर था. किसके द्वारा पॉपुलराइज किया गया, किसके द्वारा ये जो चरखा है चलाया गया था, ये खासतौर पर महात्मा गांधी ने शुरू किया था इंडिपेंडेंस मूवमेंट के समय यानी स्वतंत्रता आंदोलन के समय. ये जो चरखा है इसका यूज बहुत ज़्यादा पॉपुलर था. ओके, ही एनकरेज पीपल टू वियर क्लॉथ्स मेड ऑफ होमस्पन यार्न टर्म्ड एज खादी एंड शन, इम्पोर्टेड क्लॉथ मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन. जो गांधी जी थे उन्होंने लोगों को उत्साहित किया कि एनकरेज किया कि जो होमस्पन यार्न है यानी घर में बुना हुआ जो धागा है उसके बने हुए खादी के कपड़े लोग इस्तेमाल करें. और एंड शन इम्पोर्टेड क्लॉथ मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन. शन हेयर मीन्स अवॉइड करना या रिजेक्ट करना, निग्लेक्ट करना. ओके, तो जो ब्रिटेन्स के कारखानों में, मिल्स में जो धागा बनता था उसको अवॉइड करें. ओके, टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी, इस खादी को पॉपुलर करने के लिए, प्रमुख रूप से इस खादी को प्रमोट करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने एक बॉडी कॉन्स्टिट्यूट की जो कि यानी गठित की जो कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के नाम से जानी जाती है. और ये उन्होंने 1956 में गठित की. ओके, स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स. जो ये स्पिनिंग ऑफ यार्न है, ठीक है, जो धागे बनाने का जो ये प्रोसेस है ये एक बड़े स्केल पर मशीनों द्वारा किया जाता है. आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स दीज आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स. और स्पिनिंग के बाद यानी धागा कातने के बाद इसको कपड़े में तब्दील किया जाता है. लेट्स मूव ऑन टू द सेक्शन 3.5, यार्न्स टू फैब्रिक. यार्न से फैब्रिक तक की कहानी को हम देखते हैं. देर आर मैनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स. यहाँ पर काफ़ी वेज हैं, काफ़ी तरीके हैं जिससे हम एक यार्न से क्या बना सकते हैं, कपड़े बना सकते हैं यानी फैब्रिक. ओके, द टू मेन प्रोसेसेस आर वीविंग एंड नेटिंग. और जो दो मेन प्रोसेस हैं यार्न से फैब्रिक यानी कि यार्न धागे से कपड़े बनाने तक के जो दो प्रमुख प्रोसेस हैं वो क्या हैं, एक वीविंग है और एक नेटिंग है. लेट्स स्टडी अबाउट वीविंग व्हाट इट इज. In activity 2, you might have noticed that a fabric is made up of two sets of yarns arranged together. Activity 2 में आपने notice किया होगा कि एक जो fabric है वो कब बनता है, जब दो धागों को एक साथ arrange किया जाए. And the process of arranging two sets of yarns together to make a fabric is called weaving. और इस process को यानी दो धागों को एक साथ arrange करने का ये जो process है, इसको कपड़े बनाने का ये जो process है, इसको क्या बोलते हैं, weaving. Okay, let us try to weave some paper strips. तो चलिए हम कुछ paper strips को बुनने का
बुनने की कोशिश करते हैं और एक्टिविटी फाइव में हम देखते हैं कि हमें दो शीट ऑफ पेपर लेने हैं डिफरेंट कलर के। ध्यान रहे हम शीट ऑफ पेपर लेंगे लेकिन डिफरेंट कलर के। ओके, कट स्क्वायर पीसेस ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट। हर एक शीट से 30 सेंटीमीटर का जो इक्वल यानी विड्थ और लेंथ, इक्वल विड्थ और लेंथ की हमें हर एक शीट से ये स्ट्रिप्स लेनी है। ओके, नाउ फोल्ड बोथ द शीट्स इनटू हाफ, और दोनों शीट्स को हाफ यानी आधा आधा मोड़ दे। ऑन वन शीट ड्रॉ लाइंस एज शोन इन द फिगर 3.12। ओके, एक शीट पर लाइंस बनाएं जैसे कि फिगर 3.12 के पार्ट ए में दर्शाया गया है, एंड ऑन द अदर एज शोन इन द फिगर 3.12 बी, और दूसरे शीट पर ऐसे लाइनें बनाएं जैसा कि फिगर 3.12 के बी पार्ट में दर्शाया गया है। ओके, कट बोथ द शीट्स अलोंग द डॉटेड लाइंस एंड देन अनफोल्ड। दोनों शीट्स को जो डॉटेड लाइन है उनके साथ साथ काटें और फिर अनफोल्ड करें, उनको खोलें। वीव द स्ट्रिप्स वन बाय वन थ्रू द कट्स इन द शीट्स शीट ऑफ पेपर एज शोन इन द फिगर 3.12। इस जो ये आपकी स्ट्रिप्स बनकर तैयार हो गई, इन्हें बुनना शुरू करें। कैसे बुनना है, जैसा कि फिगर 3.12 के पार्ट सी में आपको दर्शाया गया है। ओके, एंड फिगर 3.12 शोज द पैटर्न आफ्टर वीविंग ऑल द स्ट्रिप्स। और आप देख सकते हैं जो फिगर 3.12 का डी पार्ट है उसमें एक पैटर्न बनकर तैयार हो गया है। ओके, और हैंड लूम इन फिगर 3.13 एक इसी तरह, जब जैसा कि आपने इन स्ट्रिप्स को एक पैटर्न में संजोया है, इसी तरह धागों को कपड़े में संजोया जाता है, यानी कि धागे से कपड़े बनाए जाते हैं, जैसा कि आप एक हैंडलूम आप देख सकते हैं फिगर 3.13 में। इन अ सिमिलर मैनर टू सेट्स ऑफ यार्न्स आर वोवन टू मेक अ फैब्रिक एंड द यार्न्स आर मच थिनर देन आवर पेपर स्ट्रिप्स ऑफ कोर्स। ओके, जो जैसे ही आपने ये स्ट्रिप बनाई, इसी तरह कपड़े भी बनाए जाते हैं। ओके, लेकिन जो कपड़े होते हैं वो धागों से बनते हैं, और एज कंपेयर टू अवर स्ट्रिप्स, अगर हम अपनी स्ट्रिप्स से धागे को कंपेयर करें तो धागा बहुत ही पतला होता है। ओके, वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स, और ये वीविंग का जो प्रोसेस है, जो कपड़े बुनने का प्रोसेस है, ये लूम्स या हैंड लूम पर किया जाता है। पहले जो हैंड ऑपरेटेड लूम्स आते थे और अब पावर ऑपरेटेड आते हैं, यानी कि ऊर्जा प्रचालित जो लूम्स है, करघे हैं, लूम्स यानी करघे। ओके, वे अब आते हैं। ओके, निटिंग, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक एज अ निटिंग। तो हम दूसरा प्रोसेस पढ़ते हैं जिसे हम निटिंग बोलते हैं। ओके, हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर निटेड। क्या आपने कभी अपनी मम्मी को, चाची को, या अपने घर में किसी भी लेडीज को स्वेटर बुनते हुए देखा है? In knitting, a single yarn is used. Okay, knitting में, इस process में एक single yarn use किया जाता है, एक single धागा use किया जाता है, एक fabric बनाने के लिए, एक कपड़ा बनाने के लिए। Okay, जैसा कि आप figure 3.14 में देख सकते हैं। तो आप, अगर आपको knitting से ध्यान ना आया हो तो आप इस picture को देखकर ध्यान में ला सकते हैं कि एक knitting का process क्या हो सकता है। Okay, Have you ever pulled the yarn from a torn pair of socks? क्या आपने कभी भी एक फटी हुई जुराब में से एक यार्न को निकालने की कोशिश की, एक धागा निकाला है? What happens? क्या होता है? A single yarn gets pulled out continuously as the fabric gets unraveled. एक सिंगल धागा खींचने से, एक सिंगल धागा निकालने से पूरी की पूरी जो सॉक्स है, पूरी की पूरी जुराब है, वो खुल जाती है, अनरैवल। ओके, सॉक्स एंड मैनी अदर क्लोथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ नीटेड फाइबर्स फैब्रिक्स। जो सॉक्स हैं या फिर हम बोले जैसा कि स्वेटर्स हैं, ये सभी क्या है, ये सभी नेटिंग प्रोसेस से बने फैब्रिक हैं, कपड़े हैं। ओके, नेटिंग इज डन बाय हैंड एंड आल्सो ऑन मशीन्स। जो नेटिंग है, यानी जो ये प्रोसेस है नेटिंग का, ये पहले हाथ से भी किया जाता था और अब भी किया जाता है, लेकिन मशीन पर भी किया जाता है। ओके,
Let's see, what does Pahali want to ask? Pahali wants to know if you have seen any fabric that are made of made of the fibers on the outer covering of coconut. What are those? What are these fibers normally used for? Okay, Pahali जानना चाहती है कि जो fabric क्या उस fabric से क्या उस fiber से कोई fabric बना होता है जो आप coconut के बाहर देखते हैं. Okay, मैं आपको बता दूं, जो आप एक coconut देखते हैं उसके बाहर जो fiber होता है, ठीक है, उस फाइबर को कोयर फाइबर बोलते हैं, COIR, कोयर फाइबर. ओके, और वो हमें जैसे डोर कारपेट्स और फ्लोर कारपेट्स, ब्रशेस, मैट्रेसेस यानी गद्दे, ठीक है, ये सभी बनाने में काम आता है. व्हाट आर दीज फाइबर्स नॉर्मली यूज फॉर, और नॉर्मली ये इसी काम के लिए यूज होता है. बाकी जो वाइट फाइबर होता है, वाइट कोयर होता है, ठीक है, यानी कि जो इमैच्योर कोकोनट होते हैं उनसे एक वाइट यानी सफ़ेद कोयर को लिया जाता है, सफ़ेद फाइबर को लिया जाता है, जिससे फाइनर ब्रशेस बनाए जाते हैं. ओके, रोप्स बनाई जाती हैं, और जो फिशिंग यानी मछली पालन के लिए जो नेट्स होते हैं वो बनाए जाते हैं. और इसकी एक एडवांटेज ये है कि ये डूबता नहीं है, ये सिंक नहीं होता, सो इट कैन बी यूज अंडर डीप वाटर. ओके, नाउ see, weaving and knitting are two are used for making different kinds of fabric. These are the two processes which are used for making different kinds of fabrics. जो weaving है और knitting है, ध्यान कीजिएगा, ये दो ऐसे process हैं, दो प्रमुख ऐसे प्रोसेस हैं जिसको हम यूज करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक को बनाने में, अलग अलग तरह के कपड़े बनाने में. ओके, दीज फैब्रिक्स आर यूज फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स. और ये जो फैब्रिक है, ये एक जो क्लोथिंग आइटम्स की यानी कि जो क्लोथिंग आइटम्स हैं उनकी एक वैरायटी को बनाने के लिए काम आते हैं. ओके, now let's move to the section 3.6, history of clothing material. Have you ever wondered what materials people used in ancient times for clothing, for clothes? क्या आपने कभी सोचा है कि जो पहले प्राचीन समय में लोग कपड़े बनाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते थे? It appears that in those times people used the bark and big leaves of trees or animal skins and furs to cover themselves. अपीयर है, मतलब ये हम देख सकते हैं कि जो पहले हमारे पूर्वज कहो या फिर जो पहले लोग होते थे वो बार्क और बिग लीव्स ऑफ ट्रीज को यूज करते थे. बार्क यानी जो मोटी पपड़ी यानी कि जो छिलका हम बोल सकते हैं, एक तने से जो बार्क होती है उसको, वृक्ष की जो छाल होती है उसको लोग यूज करते थे. ओके, या फिर बड़ी पत्तियों को भी लोग यूज करते थे, या फिर हम बोले तो एनिमल स्किन, जो एनिमल्स की स्किन होती है, चमड़ी होती है, उसको भी लोग यूज करते थे. एंड फर्स टू कवर देमसेल्व्स, और जो फर्स हैं यानी जो जानवरों की खाल, वे खाल पर जो मोटे व मुलायम बाल हैं उनको भी लोग अपने आप को कवर करने के लिए, ढकने के लिए इस्तेमाल करते थे. ओके, आफ्टर पीपल बिगिन टू सेटल इन एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रासेस इनटू मैट्स एंड बास्केट्स. जैसा कि लोगों ने अब कृषि साम्राज्य बसाना शुरू कर दिया तो उन्होंने ट्विग्स को, ग्रासेस को, मतलब मैट्स में यानी बास्केट्स में, मैट्स में, इन सभी चीज़ों में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने. ट्विग से या ग्रासेस से, ट्विग अगर आप पूछना चाहो तो मैं बता दूं कि ट्विग जो है टहनी या ब्रांच किसी भी पौधे की होती है. ओके, उसे हम ट्विग बोलते हैं, किसी भी टहनी या ब्रांच को. जो ट्विग है या फिर जो लॉन्ग ग्रासेस होती है उनको लोगों ने मैट्स या फिर बास्केट्स की फॉर्म में ढालना शुरू कर दिया. वाइन्स, एनिमल फ्लीज और हेयर आर ट्विस्टेड टुगेदर. जो वाइन्स होते हैं यानी कि लटें होती हैं, लताओं को लोगों ने क्या कर दिया, लताओं को, एनिमल फ्लीस को या फिर एनिमल्स के जो हेयर्स हैं उनको लोगों ने ट्विस्ट करना स्टार्ट कर दिया, टुगेदर इनटू स्ट्रैंड्स. स्ट्रैंड्स में, स्ट्रैंड्स बनाने के लिए लोगों ने उनको ट्विस्ट करना यानी कि मोड़ना शुरू कर दिया. ओके, दीज वर वोवन इन टू फैब्रिक्स, और ये जो हैं इनसे फिर लोग कपड़े बनाते थे. द अर्ली इंडियन इंडियंस वोर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ द कॉटन एंड दैट ग्रू इन द रीजन्स नियर द रिवर गंगा. जो पहले लोग होते थे ये फैब्रिक बनाते थे जो कि कॉटन है, जो गंगा
नदी के किनारे ये जो ज्यादातर कॉटन उगाई जाती थी, तो वहां से ये कॉटन लेकर के फैब्रिक यानी कपड़े बनाते थे। ओके, फ्लैक्स। फ्लैक्स क्या है? इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर। ये भी एक प्रकार का पौधा है जो हमें नेचुरल फाइबर देता है, यानी प्राकृतिक तंतु देता है। ओके, इन एंशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल। और एंशियंट इजिप्ट में जो कॉटन और फ्लैक्स हैं, ये दोनों ही कल्टिवेट किए जाते थे, यानी इन दोनों की ही हम कहें तो खेती की जाती थी। किसके पास? रिवर नाइल के पास। ओके, और बच्चों मैं आपको बता दूं, जो ये रिवर नाइल है ये सबसे लंबी नदियों में से एक गिनी जाती है, और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, जिसे 11 कंट्रीज अफ्रीका के अंदर इसकी बाउंड्री को शेयर करते हैं। ओके, हम इस नाइल रिवर को लाइफ लाइन ऑफ इजिप्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइफ लाइन ऑफ इजिप्ट। और ये जो नदी है काफी लंबी है, अगर इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग 6,850 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। ओके, और ये जो फ्लैक्स और कॉटन है, ये यहाँ पर लोग इनका कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नॉन, और उन दिनों में स्टिचिंग यानी सिलाई को नहीं जाना जाता था, सिलाई उन दिनों में नहीं थी। ओके, पीपल सिंपली ड्रेप्ड द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। तो लोग क्या करते थे, सिंपली जो फैब्रिक्स हैं उनको अपने चारों तरफ लपेट लिया करते अपने शरीर को ढकने के लिए। ओके, बस वो उन फैब्रिक्स को ओढ़ लिया करते। ओके, यानी लपेट लिया करते। ओके, एंड मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रेपिंग फैब्रिक्स वर यूज। और जो ये लपेटने का यानी जो फैब्रिक से अपने शरीर को ढकने के काफी प्रकार लोगों ने बनाए हुए थे, जैसे विद द इन्वेंशन ऑफ द सीविंग नीडल। ओके, जैसे ही ये जो सुई का आविष्कार हुआ, पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ्स। तो लोगों ने कपड़े की सिलाई करना शुरू कर दिया क्लोथ्स बनाने के लिए। ओके, स्टिच्ड क्लोथ्स हैव गोन थ्रू मैनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन। और जो ये सिले हुए कपड़े हैं, तब से लेकर अब तक इनमें काफी बदलाव आ चुका है। ओके, बट इट इज नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे सारी धोती लुंगी टर्बन इज यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस और फैब्रिक। और हो सकता है कि आपको कुछ आश्चर्य ना हो यह जानकर कि आज भी साड़ी धोती लुंगी और टर्बन यानी पगड़ी ऐसे फॉर्म्स हैं कपड़ों के जो कि बिना स्टिच किए ही बिना सिलाई किए ही आज भी यूज किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, बट जस्ट एज देर इज अ लार्ज वैरायटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर द कंट्री, अ लार्ज वैरायटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक्स एंड क्लॉथिंग आइटम्स। जैसा ही कि फूड वैरायटी में हमें पूरे देश में वैरायटी मिल जाती है, ऐसे ही कपड़ों में भी हमें पूरे देश में अलग अलग वैरायटी मिल जाएगी। ओके, हियर अ फिगर इज शोन, एक फिगर दर्शाई गई है जिससे हम पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। कैसे? कि एक कॉटन रोल से गिनिंग के प्रोसेस से हमें फाइबर यानी तंतु मिलता है, और उससे फिर स्पिनिंग के प्रोसेस से हमें यार्न यानी धागा मिलता है, और धागे से हम दो तरह से फैब्रिक यानी कपड़ा बना सकते हैं। एक वीविंग, जिसमें हम दो धागों का मिनिमम दो धागों का यूज करते हैं, और एक नेटिंग, जिससे हम एक सिंगल धागे से कपड़ा बुन सकते हैं। ओके, बना सकते हैं। Now let's move on to the summary that there is a variety of clothing material or fabric such as cotton, silk, wool and polyester. एक काफी variety है material की, कपड़ों की, जैसे कि cotton यानी सूती, silk यानी रेशमी, woolen यानी ऊनी and polyester. Okay. Fabrics are made from yarns. Fabrics जो हैं, कपड़े जो हैं, धागों से बनते हैं, which in turn are made from fibers. और ये जो धागे हैं, ये तंतु यानी फाइबर्स से बनते हैं। ओके, फाइबर्स आर आइदर नेचुरल और सिंथेटिक। जो फाइबर्स होते हैं वो या तो नेचुरल होते हैं या सिंथेटिक होते हैं। कॉटन, वूल, सिल्क एंड जूट आर सम नेचुरल फाइबर्स। कॉटन, वूल, सिल्क और जूट ये सभी नेचुरल यानी प्राकृतिक फाइबर्स हैं, और वाइल नायलॉन एंड पॉलिएस्टर आर सम एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। और ये सभी जो नायलॉन है, पॉलिएस्टर
व्यस्त रहिए। सभी कृत्रिम फाइबर्स हैं, सिंथेटिक फाइबर्स हैं। फाइबर्स लाइक कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। जो फाइबर्स हैं कॉटन है, जूट है, ये सभी क्या है, ये सभी हमें प्लांट से मिलते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। यार्न से, एक धागे से, एक फाइबर से धागा बनाने का जो प्रोसेस है उसे हम स्पिनिंग बोलते हैं। फैब्रिक फ्रॉम यार्न्स इज मेड फ्रॉम वीविंग एंड नेटिंग। और जैसा कि हमने पढ़ा कि जो यार्न्स यानी धागे से कपड़े बनाने का जो प्रोसेस है उसे हम नेटिंग बोलते हैं। ओके, यू कैन हैव अ लुक ओवर द एक्सरसाइज एंड फॉर दिस फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द एक्सरसाइज यू मे जस्ट लुक आउट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।